कांग्रेस विधायक अशोक चांद्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए सीधा रुख वहीं का करेंगे। गेहूं के एमएसपी के ऊपर भुगतान हुआ 3%, मतलब चुनावी साल है और राजस्थान में कांग्रेस का राज है, तो राजस्थान के किसान को दोष का सजा इन्होंने दी कि केवल 3% किसानों की ही एमएसपी के ऊपर खरीद का इन्होंने काम किया। 97% किसानों को इस बात की सजा दी क्योंकि उनका खुद का राज नहीं। ये तो मैंने आपको एमएसपी के ऊपर एक आंकड़ा बताया है, ये हाईएस्ट आंकड़ा है। गेहूं से ज्यादा एमएसपी के ऊपर किसी की भी कोई भी ऐसी फसल नहीं है। जो 23 MSP जिन फसलों के ऊपर गारंटी लागू होती है उनमें से गेहूं हाईएस्ट खरीद होता है और गेहूं का भी हाईएस्ट मैंने आपको बता दिया कि पिछले 5 साल के आंकड़े में हाईएस्ट 17.5% किसानों का प्रोडक्शन जो है राजस्थान का वो एमएसपी के ऊपर गया है और पिछले साल तो 3% ही लिया गया। साथियों, इसके अलावा आप देखिए प्रधानमंत्री जी गारंटी देने में नहीं चूके। आजकल बहुत चल रहा है, आजकल प्रधानमंत्री जी की गारंटी का बड़ा जुमला चल रहा है, मोदी की गारंटी, उसकी भी पोल खुल रही है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 16 नवंबर के संकल्प पत्र में कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का भाव होगा, उसके बदले केवल राजस्थान के किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान हो रहा है। मतलब कि गारंटी देकर भी, गारंटी भी एक जुमला है। तो 2014 से मैं बता रहा हूँ आपको कि वो निरंतर जुमले राजस्थान और देश के लोगों को देते रहे और अभी तक भी दे रहे हैं। हालांकि गारंटी शब्द इन्होंने कहाँ से उठाए, गारंटी शब्द तो बहुत मजबूत शब्द है। और श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तो कैसे हैं ये तो देश की जनता आकलन करेगी, लेकिन एक्टर बहुत अच्छे हैं। ये गारंटी शब्द जो उन्होंने उठाया है ये कांग्रेस के कामों से उठाया है। 2006 में रोजगार की गारंटी तत्कालीन प्रधानमंत्री और मैडम सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट थी तब दी गई, महात्मा गांधी नरेगा योजना। 2005 में